नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। शुरुआत करते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग्स के साथ। माफिया अतीक अहमद के 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारकर शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए संपत्तियों में निवेश करने के प्रमाण जुटाए। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में अतीक से जुड़े कुछ रियल इस्टेट कारोबारियों के ठिकाने पर पहुंची टीम। तमाम बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी हुए बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा जारी। अयोध्या के बाद आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम। आज रात 8 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम। पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी के पारिवारिक में शामिल होंगे। बनारस में ही रात्रि विश्राम के बाद कल सोनभद्र जाएंगे। सोनभद्र में 4 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस में रिपोर्ट दाखिल की। पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट का केस नहीं चलेगा। पॉक्सो मामले में बृजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिले। पुलिस ने 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। बृजभूषण से पॉक्सो केस वापस लेने की अर्जी। पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पर 4 जुलाई को सुनवाई। रिपोर्ट में अब तक हुई जांच की जानकारी कोर्ट को दे दी गई है। हसनगंज में तेज रफ्तार का कहर जारी। मोहान के लकपेड़ा चौराहे के पास ओवरटेक करते हुए 29 साल के युवक की बाइक के सामने से आ रही बस से हुई भिड़ंत, मौके पर हुई मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।